नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। मैनपुरी के थाना भौगांव में पुलिस की कार्यशैली पर उठा सवाल। 3 माह पहले प्रधान के घर से हुई गायब लड़की को पुलिस नहीं कर पाई बरामद। पूरा मामला थाना भौगांव के प्रतापपुर का है। ने बताया कि उनकी पत्नी ग्राम प्रधान ओविंद यादव उर्फ भोला यादव के घर से 3 माह पहले गायब हुई। आमना बेगम के पति, बच्चे, भाई और मां बहन थाने के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। पीड़ित ने कई बार उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र भी दिया, उस पर भी कोई कार्रवाई न होने पर पीड़ित साजिद व भाई शरीफ मोहम्मद आज फिर पुलिस अधीक्षक कार्यालय मैनपुरी पहुंचे, जहां आमना बेगम की मां ने रो रो कर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर दास्तां बताई। पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित ने उन्हें आरोपी के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब देखना ये है कि आरोपियों की कब तक गिरफ्तारी होती है और कब तक भौगांव पुलिस लड़की को बरामद कर पा रही है, या फिर कार्रवाई होने की बात कहकर मामले को टाल दिया जाएगा। एक तरफ यूपी में योगी सरकार की वाहवाही हो रही है, वहीं भौगांव पुलिस योगी सरकार की छवि को धूमित करती नजर आ रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाजमा बेगम है। आज यहाँ एस पी साहब के कार्यालय पे आए हुए हैं और ये धरना प्रदर्शन का बोर्ड भी लगा रखा है, क्या कुछ मामला है? ये मामला है, ग्राम प्रतापपुर का प्रधान है, हमारी बहन को जबरन शराब पिलाई, होली वाले दिन बुलाया और उसी दिन उसके साथ रेप करके उसे मार दिया है। अभी तक ना उनकी गिरफ्तारी हुई है और ना कुछ हुआ, खुलेआम घूम रहा है। और थाने जाते हैं तो कहते हो रही कार्रवाई, कहते नशा करती है लड़की। इन लोगों को कैसे पता नशा करती है? सच तक पूछना ही नहीं चाहते कि मतलब सच क्या है, सच तक पता ही नहीं लगाना चाहते सच बात क्या है। कोई कार्रवाई नहीं है, कोई है। 3 महीने होने जा रहे हैं इस बात को। कितने बार आप यहाँ आए? हम यहाँ पे ये मेरा 14 बार चक्कर लगा चुके हैं, 13-14 बार आ चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं है। अभी आए थे 3 तारीख को, अप्लीकेशन तक नहीं पड़ी, दूर से ही कहने लगा, अरे वो लड़की नशा करती थी। लड़की कैसे विश्वास, लड़की नशा करती थी कि लड़की नशा करती थी, दारू आज थी, ये कह के भगा देते हैं कि हाँ जाओ, हो रही है कार्रवाई, हो रही है कार्रवाई। आज आए थे आप एसपी साहब से मुलाकात हुई? मुलाकात हुई, उन्होंने कागज रख दिया, कह रहे हम अभी थोड़ी देर में आके पढ़ेंगे, वो कहीं जल्दी में थे निकल गए। अगर वो नहीं आए तो आप करने पर? हम यहीं बैठे रहेंगे, हमें इंसाफ चाहिए, हमारी बहन जिंदा या मुर्दा हमें इंसाफ चाहिए। और उसकी गिरफ्तारी हो, उसकी पत्नी की, उसके लड़कों की और भोला यादव की, 5 लोगों के खिलाफ। देखते रहिए डीबी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।